जय हिंद दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 12 का फर्स्ट लेसन फिजिक्स के अंदर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, इस लेसन में अपने पास सबसे जो पहला टॉपिक बनता है वो चलता है विद्युत आवेश। बात ये होती है विद्युत आवेश होता क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। विद्युत आवेश कोई भी एक वस्तु का गुण होता है, जैसे कि हम इंसानों का गुण होता है गुस्सा, ऐसे ही सेम वस्तुओं में जो गुण होता है वो चलता है विद्युत आवेश। अब बेसिक सी बात है, गुण है तो इसको छू नहीं सकते अपन, ठीक है। लेकिन इसी गुण के कारण कोई भी वस्तु होती है वो दूसरी वस्तुओं के साथ या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का गुण रखती है, यानी कि वस्तुओं के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण इसी विद्युत आवेश के कारण ही मिलता है। अब एक तो डेफिनेशन इसकी यहां से ही दे सकते हैं अपन, यानी कि कोई भी वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण विद्युत आवेश कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है, कोई भी वस्तु इस विद्युत आवेश गुण के कारण ही अपने चारों ओर या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिकल फील्ड उत्पन्न करेगी या इसको महसूस करेगी। तो दो डेफिनेशन बन जाती है इसके हमारे पास में, एक तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखना और दूसरा अपने चारों ओर वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी या फिर महसूस करेगी। अब बात आती है हमारे पास में विद्युत आवेश होता है इसको दर्शाया किससे जाता है, इसको स्मॉल क्यू से या फिर अपन कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आवेश का नाम आया है तो बेसिक सी बात, इसकी किसी ने खोज भी की होगी तो जो आवेश की खोज मानी जाती है वो मानी जाती है थेल्स से। थेल्स ने आवेश की खोज की थी। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास आता है इसका मात्रक क्या होता है। अब मात्रक इसके हमारे पास में चार पत्ती होती है मात्रकों की, तो अपन एस आई पत्ती के अंदर इसका मात्रक देखते हैं। एस आई पत्ती में आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलम, और कूलम को हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से ही दिखाया जाएगा इसको। ये तो सिर्फ एस आई पद्धति के अंदर इसका मात्रक हुआ है। तो डेफिनेशन आवेश को किससे दर्शाया जाता है, मात्रक क्या होता है और खोज क्या होती है, ये तो अपन देख चुके हैं। बेसिक सी बात है, आवेश कौन सी राशि है, आदिश है सदिश है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार। आवेश होती है वो एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें कोई दिशा फिक्सेबल नहीं होती कि कोई निश्चित दिशा है इसकी, तो इसलिए कौन सी राशि, अदिश राशि। अब हम आवेश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी चलते हैं आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, नंबर एक धनात्मक आवेश और नंबर दो पे आता है ऋणात्मक आवेश। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के आवेश हो गए हमारे पास में। अब मेन बात यह आती है कि दो प्रकार के आवेश हो तो गए, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो इसके लिए अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा परमाणु को। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि जब भी कोई वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो लास्ट में एक टुकड़ा ऐसा आ जाता है कि उसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता, जिसको अपन कहते हैं परमाणु। परमाणु की जो खोज है वो आपको याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ ही परमाणु की जो खोज की थी वो डोल्टन ने की थी। मैं साइड में ना सभी की खोज वगैरह लिखता जाऊंगा यहाँ पर अभी, ठीक है। परमाणु के अंदर होता है एक एक नाभिक। नाभिक के बारे में बोला जाता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म बिंदु के ऊपर केंद्रित होता है, जिसको अपन नाभिक कहते हैं। और जो नाभिक की खोज मानी जाती है वो मानी जाती है रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर की थी। अब बात ये आती है हमारे पास नाभिक के अंदर पाया क्या जाता है। नाभिक के अंदर हमेशा पाए जाते हैं प्रोटॉन और साथ में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, इसके लिए ई के ऊपर माइनस मार्क लगाया गया है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर हमेशा प्लस का आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस लगा दिया जाता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी ना तो प्लस होता है और ना माइनस, ये उदासीन होता है। तो इसके बारे में तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं कि न्यूट्रॉन है वो उदासीन है। अब बात आती है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना आता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही किसका, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये प्लस का पाया जाएगा। अब सर ये तो बच्चों वाली बात हो गई हमारे पास, ये तो अपन को पता है पहले भी, ये हमारे पास में इनके जो मान है ना, ये अभी अपन को यहीं से याद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पूरी फिजिक्स में यही मान बार बार दोहराए जाएंगे। अब बात आती है हमारे पास में, चलो ये तो हो गया आवेश का, अब इनके ऊपर द्रव्यमान कितना कितना पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसका जो मान होता है 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। बात आती है प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको अपन एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मान होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किज। ये तीन अंकों तक तो इनका मान लिखना ही लिखना है। अब बात आती है न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन उदासी जरूर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर सिर्फ आवेश जीरो है, द्रव्यमान इसका कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको एम के नीचे एल लगाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इसका जो मान होता है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये हमारे पास में तीनों वैल्यू आपको लिख लेनी है और इनको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर कितना है, और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान का मान कितना है, और इनके ऊपर आवेश का मान कितना कितना होगा। अब इसके बाद आती है, अभी चलो ये बात तो हो गई, अभी हमारे काम काम पर आती है। अभी अभी अपन ने देखा कि परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में केंद्रित हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि नाभिक में है, ये प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ बल से, और वो भी आकर्षण प्रकृति के बल से बंधे होते हैं। यानी कि बेसिक सी बात ये हो गई अभी हमारे पास में, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। प्रकृति का जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली आकर्षण प्रकृति का बल है, वो प्रबल नाभिकीय बल ही है, जो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। तो अब हमारे पास में कोई भी वस्तु से अगर आवेश जा रहा है या वस्तु के ऊपर आवेश आ रहा है, तो अब फ्री कौन है जाने आने के लिए, फ्री तो हमारे पास में बच गया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक सी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ही अंदर आते हैं कोई भी वस्तु के ऊपर से। अब हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि परमाणु से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। आपने पहले से भी सुना होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने स्थान के ऊपर एक प्लस का आवेश छोड़ जाता है, यानी नेगेटिविटी बाहर गई तो पॉजिटिविटी अंदर आई, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर छोड़ गया प्लस का आवेश। तो एक बात हो गई हमारे पास, जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलता है तो परमाणु के ऊपर कौन से आवेश का मान बढ़ जाता है, धनावेश छोड़ के गया तो धनावेशित हो जाएगा परमाणु, यानी कि इसके ऊपर धनावेश का मान बढ़ जाएगा। अब मान तो बढ़ गया, लेकिन साथ में इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा बढ़ा या घटा, वो देखते हैं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान होता है, इसका मान ये अभी अपने आप थोड़ी देर पहले ही लिखा था, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान बाहर निकला है तो बेसिक सी बात है परमाणु का द्रव्यमान क्या हुआ है, कम। तो बात ये हो गई, जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है,
लेकिन साथ में इसका जो द्रव्यमान है वो पहले की अपेक्षा घट जाता है। धनावेश जब भी होगा परमाणु, द्रव्यमान कम मिलेगा। अगर हमारे पास कोई भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि नाभिक के अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर गया, प्रवेश कर रहा है। अभी अब इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है तो बेसिक सी बात है, इसके अंदर क्या नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी कि ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ गया, तो परमाणु हो गया ऋणावेशित। लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान था जो कि इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन साथ में इसका द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। धनावेशित होगा तो द्रव्यमान कम मिलेगा, अगर ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान ज्यादा मिलेगा। ये तीन वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब बात आती है हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि खोज के बारे में साथ साथ लिखते जाएंगे। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे जे थॉमसन ने। अब बात आती है प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन हमारे पास में है तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। काफी बार हमारी किताबें क्या होती हैं, प्रोटॉन की खोज के बारे में रदरफोर्ड को मानती हैं कि रदरफोर्ड ने खोज की थी, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर खोज की थी प्रोटॉन्स की। अब बाद में क्या हुआ, गोल्डस्टीन आया, इसने प्रोटोसिस का नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो नाम अपने आगे सबसे पहले लाने वाले थे वो थे गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन की खोज को गोल्डस्टीन के साथ ही जोड़ा जाता है। अगर प्रोटोस नाम आए तो अपन रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है वो चलता है आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः तीन विधियां काम में ली जाती हैं। नंबर एक जो विधि चलती है वो चलती है घर्षण विधि। नंबर दो पे जो चलती है चालन विधि, और नंबर तीन के ऊपर चलती है हमारी स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि। इन तीनों विधियों के बारे में अभी थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पर सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण विधि। नंबर एक के ऊपर घर्षण विधि चलती है। घर्षण विधि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए घनत्व के बारे में कि घनत्व क्या होता है। तो अपन घनत्व की बात करते हैं थोड़ा एक बार। घनत्व इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, डेफिनेशन आपको अपने मन के अंदर क्लियर करनी है, द्रव्यमान बटे में आयतन। यानी कि घनत्व को अपन रो से तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू हमारे पास में बनता है एम बाई वी। यहां पर जो आयतन उसका मान एक माना अगर जाए तो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। सिंपल सी बात ये हो जाती है, अगर कोई भी वस्तु के अंदर परमाणु पास पास है तो घनत्व क्या मिलेगा, ज्यादा, और अगर कोई वस्तु के अंदर परमाणु दूर दूर है तो घनत्व क्या मिलता है, कम मिलता है। अब एक कफ ले लिया मैंने, एक कफ के अंदर मान लो दो हमारे पास में समान आयतन के कफ है, एक कफ में मैंने थोड़ी दो चार पानी की बूंदे डाल दी इसके अंदर, और एक कप को मैंने पानी से पूरा का पूरा भर दिया। आयतन तो समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है दोनों के अंदर, क्योंकि इसका द्रव्यमान अपन मान लगे एम वन, इसका कितना मान एम टू, तो बड़ा कौन सा द्रव्यमान है हमारे पास में, एम टू बड़ा है और एम वन छोटा है, क्योंकि इसके अंदर आयतन समान है लेकिन द्रव्यमान दोनों के अलग अलग है।
तो जिसमें द्रव्यमान का मान ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, और जिसमें द्रव्यमान का मान कम उसका घनत्व कम। थोड़ा एग्जांपल की बात करते हैं, एक हमारे पास में हो गई हवा, एक हो गया पानी, एक हो गया कांच, ठीक है। अब एक बात बता दें, हवा के अंदर जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए हम आराम से हवा के अंदर चल पाते हैं, तो हवा का घनत्व क्या है कम। पानी, पानी के अंदर परमाणु क्या होते हैं पास पास, जितनी स्पीड से हम हवा में चल पाते हैं क्या उसी स्पीड से हम पानी में चल पाते हैं, नहीं, ठीक है। तो नहीं चल पाते, तो पानी का घनत्व हवा से तो क्या हो गया ज्यादा, चलो ठीक है, पानी के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत चल पाएंगे हम, ठीक है। लेकिन क्या कांच के बिल्कुल आर पार हम जा पाते हैं, उसको तो भाई तोड़ के ही जाना पड़ेगा, तो कांच का घनत्व क्या हो गया और ज्यादा। तो यानी कि हमारे पास में रो वन, इसका मैंने मान लिया रो टू, इसका मान लिया रो थ्री, तो रो वन की वैल्यू है वो है हमारे पास में कम, फिर रो टू की वैल्यू ज्यादा, और रो थ्री की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यानी कि घनत्व परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है, परमाणु पास पास तो घनत्व ज्यादा, परमाणु दूर दूर तो घनत्व कम होता है। अब कोई भी हमारे पास में कपड़ा हो गया, और एक ले ली मैंने मान लो कांच की छड़, मान लो कि एक कांच की छड़ हो गई मेरे पास में, एक हो गया मेरे पास में कोई भी कपड़ा। अब कपड़े को तो अपन आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं फिर भी, लेकिन क्या इस कांच की छड़ को भी आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं, नहीं। इसको हाथ लगाते हैं आपको पता चल जाएगा कि कपड़े के अंदर परमाणु क्या है दूर दूर, कांच की छड़ के अंदर परमाणु क्या है पास पास, तो पास पास है तो कांच की छड़ का घनत्व क्या मिलेगा ज्यादा, जबकि कपड़े का घनत्व कम मिलेगा। अब हमारे पास में आवेश तो कांच की छड़ के ऊपर भी होते हैं और कपड़े के ऊपर भी होते हैं, लेकिन ना तो आवेश तो है इनके ऊपर, लेकिन ना तो ये किसी को आकर्षण कर रहे हैं, ना किसी के साथ में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर आवेश होगा ही नहीं, नहीं। आवेश होता जरूर, लेकिन यहां पर आवेश समान मात्रा में है, जितना धनावेश का मान है इस कांच की छड़ पर उतना ही ऋणावेश, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, तो ना तो किसी के साथ ये आकर्षण करते हैं और ना किसी से प्रतिकर्षण करते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस कपड़े के अंदर होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया तो आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता। लेकिन जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, और इन्हीं को नहीं चाहे कोई भी दो जो कि अलग अलग घनत्व की वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ा जाएगा, तो रगड़ने पर आवेश उच्च घनत्व से निम्न घनत्व के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि कांच की छड़ को और रेशम का कपड़ा ले लिया मैंने कोई भी एनीथिंग, ये हो गया कांच की छड़ और ये हो गया रेशम का कपड़ा, इन दोनों को आपस में मैंने रगड़ा, तो रगड़ने पर आवेश उच्च घनत्व से निम्न घनत्व पर जाएगा। अपन तो पता है कि उच्च घनत्व कांच की छड़ का है और निम्न है वो कपड़े का है। अब एक बात और भी अपने पास में स्पष्ट है यहां पर कि प्रोटॉन तो कभी जा नहीं सकता, जाते कौन है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलते हैं और रेशम के कपड़े के ऊपर चले जाते हैं। अब अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाएंगे भाई, धनावेश छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगर जा रहे हैं तो रिक्त स्थान के ऊपर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है जो कांच की छड़ है वो संपूर्ण रूप से धनावेशित हो जाती है हमारे पास में, जबकि रेशम के कपड़े के ऊपर माइनस माइनस आवेश आ रहा है, एक माइनस ये गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा गया, इसी प्रकार सब चार तो जाएंगे ही नहीं, और भी खूब सारे जाते हैं, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, तो चार तो चले दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन पांचवा, छठा, सातवा, आठवा तो इसके ऊपर आ गया, यानी कि इसके ऊपर तो कंप्लीट रूप से धनावेश हो गया ये, और इसके ऊपर कपड़े के ऊपर संपूर्ण रूप से ऋणावेश हो गया हमारे पास में। अब इस प्रकार से घर्षण विधि द्वारा कोई भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि कांच की छड़ को धनावेशित कर लिया, जबकि रेशम के कपड़े को ऋणावेशित कर लिया अपन ने।
अब हमारे पास में बात आती है, क्या घर्षण विधि से किसी और को भी कर सकते हैं, और किससे आवेश जाता है, किस पर आवेश आता है, इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। काफी वस्तुएं होती हैं जो कि आवेश दान देती और काफी वस्तुएं होती हैं जो कि सिर्फ आवेश को ग्रहण करती है। इस लिस्ट के अंदर मैं आपको तीन चार नाम बताता हूं एक बार, और तीन चार नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात आती है दान देने वाले, यानी कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, उत्सर्जित करती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास आते हैं हमारे हाथ। हाथ से जब भी कोई वस्तु को रगड़ा जाएगा, घर्षण विधि की जाएगी अगर हाथ से, तो हाथ क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा। बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर चला गया दान दे रहा है तो हाथ के ऊपर कौन सा आवेश आया, प्लस का आवेश आएगा। अब हाथ के जो बाल में थोड़ा कम दान देने वाले हैं वो है हमारे बाल। बाल भी क्या करते हैं, जब भी कोई वस्तु को बालों से रगड़ा जाता है तो बाल है ना आवेश को लेते नहीं है, आवेश को क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। ठीक है, तो दूसरी वस्तु तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, जबकि बाल क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास में गुब्बारा हो गया, तो जब भी बैलून को, गुब्बारे को क्या क्या जाता है, बालों से आपस में रगड़ा जाता है, तो बालों से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां चले जाते हैं, गुब्बारे के ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण गुब्बारा ऋणावेशित हो गया और बाल धनावेशित हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस के अंदर जब सूखे बालों के अंदर कंघी चलाई जाती है तो सिंपल सी बात है घर्षण तो होगा। अब घर्षण के कारण कंघी के ऊपर क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले जाएंगे, तो कंघी हो गई ऋणावेशित, जबकि बाल क्या हो गए, धनावेशित हो गए। इसी लिस्ट के अंदर एक हमारे पास में ऐसा पदार्थ भी आता है जो ना तो आवेश देता है और ना ही लेता है, तो उसमें हमारे पास में बात आता है कोटन। कोटन ना तो एक्सेप्ट करते हैं आवेश को लेगा और ना ही देगा, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल जैसा काम करेगा हमारे पास में। इसके नीचे अब जो नाम नंबर आता है हमारे पास में वो आता है सिर्फ लेने वालों का। सबसे जो पहले इसके अंदर वो आता है हमारे पास में एम्बर। जब भी एम्बर को किसी से रगड़ा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आवेश को ग्रहण करता है, तभी देता नहीं है कि भाई से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले गए, नहीं, एम्बर सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। और जो सबसे नीचे सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है वो होता है हमारे पास में प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक की छड़ को अगर किसी से भी रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक की छड़ आवेश को क्या कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी और क्या हो जाएगी, ऋणावेश। अब इसी प्रकार है ना, प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाता है बिल्ली की खाल से, तो प्लास्टिक की छड़ तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, इसलिए बिल्ली की खाल तो धनावेशित और प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो ये भी टेबल अपन को याद करनी, ये जो दो है ये है देने वाले, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ना देता है ना लेता है, और ये जो नीचे वाले दो है ये हो गए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेने वाले। अब लेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही, प्रोटॉन तो निकलने वाला है ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में प्रबल नाभिक के बल से बंधे होते हैं जो कि आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं एक बार फिर से, ठीक है। अब हमारे पास में जो विधि चलती है हमारे पास में, अब ये तो आपको पता चल गया, इस विधि से थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। जब भी बालों को यानी कि सूखे बालों में कंघी चलाई जाती है तो बालों पर कौन सा आवेश, धनावेश, और कंघी पर ऋणावेश आ जाता है। कांच की छड़ थी उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ, कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार बालों से जब गुब्बारे को रगड़ा गया तो क्या हुआ, गुब्बारे पर ऋणावेश और बालों पर धनावेश आ जाता है। और इसी श्रेणी के अंदर अपन ने लास्ट में बात की थी प्लास्टिक की, जब भी प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से या फिर फर से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश जबकि बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। अब हमारे पास में ये विधि कंप्लीट हो चुकी है, घर्षण विधि। घर्षण विधि के बाद में जो नंबर दो के ऊपर चलती है वो चलती है अपनी चालन विधि।
चालन विधि। चालन विधि बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल सी बात है, एक आदमी बिल्कुल गुस्से के अंदर खड़ा हुआ है और दूसरा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है। अब गुस्से वाला आदमी है, शांत आदमी के पास जाके उसके साथ छेड़खानी करेगा तो शांत आदमी कितनी देर शांत रहेगा? लास्ट में उसको भी क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, एक चालक है, क्योंकि चालन विधि ना सिर्फ और सिर्फ चालकों में ही काम करती है, कुचालकों में काम नहीं करेगी। एक चालक है जो कि आवेशित है, यानी कि इसके ऊपर मैंने प्लस का आवेश दे दिया है अभी, जबकि दूसरा वो चालक है वो उदासीन है, यानी कि इसके ऊपर प्लस भी इतना ही है और इतना ही क्या है, माइनस है। अब जब भी इस आवेशित चालक को इस अनावेशित चालक के संपर्क में लाएंगे, यहां पर संपर्क में लाना जरूरी है, यानी टच करवाना जरूरी है, जैसे ही आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाए तो ये जो अनावेशित है ना ये भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और ये विधि क्या कहलाती है, चालन विधि। जब भी आवेशित वस्तु को अनावेशित के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस विधि को अपन कहते हैं चालन विधि। चालन विधि सिर्फ और सिर्फ किस में काम करती है, सिर्फ और सिर्फ चालकों में काम करती है। कई कुचालकों के लिए काम करेगी, कोई कुचालक वस्तु को टच करवा दिया जिसमें एक आवेशित है एक अनावेशित है तो क्या ये आवेशित हो पाएगी दूसरी अनावेशित वस्तु? नहीं, कुचालकों में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अब इसके साथ में हमारे पास में तीन डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले अपने पास में बात आती है चालक, कि चालक क्या होते हैं। अपन पहले से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, 8-10वीं क्लास में पढ़ी थी, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक नहीं भाई। अब अपन को डेफिनेशन देनी है, वो सारी की सारी देनी है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार के ऊपर। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही नहीं पता कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो अपन को फिर समझना पड़ेगा पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो कोई भी चालक हो गया हमारे पास में पदार्थ को, एनीथिंग ये हो गया जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसको अपन मोटाई भी बोल सकते हैं वो कैपिटल ए हो गया। अब हमारे पास में चालक के जैसे ही ना अपना पूरा का पूरा अपन क्लासरूम मान सकते हैं अपना, भाई क्लासरूम के अंदर आप बैठे हो, मैं हूं पढ़ा रहा हूं, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से हैं, लेकिन आप है ना बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि आप बिना परमिशन के जाके उठ नहीं सकते, यहाँ पे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मैं हूं, मैं तो पूरी की पूरी क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते घूम सकता हूँ। अच्छा, इसी प्रकार है ना कोई भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं या सभी के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये भी, लेकिन अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स है ना बंधे हुए होते हैं जो कि स्वतंत्र नहीं होते घूमने के लिए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि एक इधर जाएगा भाई, ये एक उधर जा रहा है, एक इधर नीचे की तरफ आ रहा है, ये आगे जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। सभी चालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आपको यहीं से क्लियर करनी है, सभी चालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिनको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जिस भी पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तो हो गए चालक। सर्वश्रेष्ठ जो चालक है हमारी प्रकृति के अंदर वो है बेटा चांदी, और सभी धातुएं चालक ही होती है। अब नंबर दो के ऊपर जो बात चलती है वो चलती है कुचालक, कि कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि प्रेजेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी, कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी हो गया, रबर हो गया, शुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल भी कुचालक होता है। अगर मान लो कोई जल चालक है तो शुद्ध नहीं है, ठीक है, वो अशुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल चालक होगा जबकि शुद्ध जल कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता।
अब हमारे पास में नंबर तीन के ऊपर बात आती है, वो चलती है अर्धचालक। अर्धचालक पढ़ने से पहले अपना आपको मैं छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें एक नाम आता है परम शून्य तापमान। ये परम शून्य तापमान क्या होता है? तापमान के हमारे पास में चार पैमाने होते हैं। नंबर वन पे चलता है सेल्सियस पैमाना, जिसको अपन कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दो पे चलता है र्यूमर पैमाना, जिसको अपन कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर तीन पे चलता है फारेनहाइट पैमाना, जिसको अपन कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और नंबर चार पे चलता है केल्विन पैमाना, जिसको अपन कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तीन पैमाने होते हैं सेल्सियस, र्यूमर, फारेनहाइट। इनमें जो मान है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट पैमाना चलता है केल्विन पैमाना, इसमें एक पैमाने में कभी भी मान ऋणात्मक नहीं आएगा। सबसे जो लोवेस्ट मान होगा, सबसे जो कम मान होता है इसमें, वो होता है जीरो केल्विन। ये पैमाना कभी भी ऋणात्मक रूप में नहीं आता। अब जीरो केल्विन तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। बस ये बात याद रखना कि परम शून्य तापमान जीरो केल्विन को बोलते हैं। तो कोई भी ऐसे पदार्थ, अर्धचालक की बात आ जाती है अभी अपने पास में, कोई भी ऐसे पदार्थ जिनमें परम शून्य तापमान यानी कि जीरो केल्विन पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया, वे 1 केल्विन कर दिया, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन कर दिया, तो तापमान बढ़ाने के ऊपर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। परम शून्य तापमान पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, लेकिन तापमान बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, इनमें अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक की बात आती है, एग्जाम्पल पढ़ने इसके, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे के सारे अर्धचालक के एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों की डेफिनेशन अभी आपको देनी है मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार के ऊपर। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, एक बार यहां पे दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से इसको। मैं सभी चालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस ये याद रखना है। अब हमारे पास में जो तीसरी विधि चलती है वो चलती है स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि। स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि यानी कि कंडक्शन मेथड। इस प्रेरण विधि में क्या किया जाता है, वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाते और वस्तुओं को समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कर लिया जाता है। इस विधि को समझने के लिए हमारे पास चार डायग्राम बनते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही इसको आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। नंबर वन के ऊपर मान लो मेरे पास में कोई भी चालक गोला हो गया, जिसको एक कुचालक स्टैंड की सहायता से मैंने लगा दिया। कुचालक स्टैंड क्यों लिया? ताकि आवेश पृथ्वी में ना जा सके, ये हो गया कुचालक स्टैंड। नेक्स्ट इसको ए नाम दे दिया। ऐसे मेरे पास में एक दूसरा गोला है, इसके पास में रखा हुआ है, इसको भी कुचालक स्टैंड की सहायता से लगा दिया। जैसे ही इसको नाम दे दिया मैंने बी, अब इसके पास में एक धनावेशित कांच की छड़ को लेके आते हैं हम पहले वाले गोले के पास में। प्लस माइनस पहले दोनों में समान समान थे, ना तो आकर्षण कर रहा था ना ही प्रतिकर्षण कर रहा था। अब क्या होता है, जैसे ही प्लस को पास में लाया जाता है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर बाई तरफ धनावेश नहीं रह सकता, इस तरफ तो आ जाता है हमारे पास ऋणावेश। जबकि दाईं तरफ यानी कि राइट साइड के अंदर
आ जाता है धनावेश। इसी प्रकार अब यहां पर प्लस है तो इस गोले के अंदर यहां पर लेफ्ट साइड में प्लस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण यहां पर क्या आ जाता है माइनस और यहां पर प्लस। तो कोई भी धातु के गोले थे जिनको ऊंचे अलग स्टैंड की सहायता से रख दिया गया, जब इसके संपर्क में एक धनावेशित कांच की छड़ को लेकर आए अपन, तो दोनों गोलों के अंदर क्या हुआ, बाईं तरफ तो ऋणावेश आ गया जबकि दाईं तरफ धनावेश चला गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, दूसरे प्रोसेस के अंदर जैसे ही इन दोनों गोलों के पास से ये धनावेशित कांच की छड़ को हटा दिया गया तो क्या स्थिति बदलती है, नहीं, दोनों गोलों के अंदर अब भी स्थिति समान रहती है, यानी कि लेफ्ट साइड में माइनस जबकि राइट साइड में प्लस धनावेश रहता है। ये हो गया हमारे पास इसका, यानी कि स्थिति बदलती नहीं है, समान बनी रहती है। अब नंबर तीन के ऊपर जो बात करते हैं, नंबर तीन पे क्या होता है, अपन दोनों गोलों के बीच की दूरी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे अपन ने थोड़ी दूरी बढ़ाई तो यहां पर स्थिति अब की बार बदल जाती है। बदलती कैसे, पहले लेफ्ट साइड में धन ऋणावेश था और दोनों गोलों के अंदर राइट साइड में धनावेश था। अब की बार क्या होता है, दोनों ही गोलों में लेफ्ट साइड में तो धनावेश आ जाता है और राइट साइड में ऋणावेश चला जाता है। अब नंबर चार प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जब दोनों गोलों के बीच की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है, जैसे दूरी को मैंने थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया तो अब स्थिति पूर्णतः बदल जाती है, एक गोले के ऊपर कंप्लीटली धनावेश आ जाता है जबकि दूसरे गोले के ऊपर कंप्लीटली ऋणावेश आ जाता है। यानी कि दोनों गोले समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है हमारे पास, ये जो विधि बनती है वो विधि कहलाती है प्रेरण विधि। अब बात यह आती है, यानी कि एक गोले के ऊपर प्लस और दूसरे गोले पर माइनस आवेश आया तो क्यों आया, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि वस्तु जड़त्व के नियम का पालन करती है, अगर दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है कोई भी तो उसी आकर्षण बल को वो लगाए रखना चाहेंगे, ठीक है, यानी कि बदलने नहीं देंगे। इसी को तो जड़त्व कहते हैं, यानी कि वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता। ऐसे क्या हुआ, जैसे इस तनावित कांच की छड़ को लेके आए थे, दोनों गोलों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगना प्रारंभ हो गया था, यहां पर हटाया तो कोई स्थिति नहीं बदली, स्थिति समान रही, लेकिन जैसे ही दूरी को बढ़ाया तो दोनों के बीच में आकर्षण बल पर कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव को सेम बनाने के लिए, यानी कि यथावत रखने के लिए क्या करते हैं, एक साइड में धनावेश दूसरी साइड में ऋणावेश, यानी कि स्थिति बदल जाती है। लेकिन जैसे दूरी को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो दूरी और ज्यादा बढ़ाने पर स्थिति पूर्णतः बदल जाती है। ये हमने बीच में अभी भी उतना ही आकर्षण बल बनाए रखना चाहते हैं, अब ऐसे तो बन नहीं पाता आकर्षण बल क्योंकि वे स्थिति तो बदल के देख ली थी इन्होंने, इसलिए एक गोले पर संपूर्ण रूप से धनावेश आ गया और दूसरे गोले पर संपूर्ण रूप से ऋणावेश आ जाता है। ये विधि प्रेरण विधि कहलाती है हमारे पास में। तो आवेश को उत्पन्न करने की हमारे पास में तीन विधियां हैं जो कि आपकी हो चुकी है, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। अगला जो हमारे पास में टॉपिक चलता है वो चलता है हमारा कोई वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रयोग बनाया गया। अब कोई वस्तु के ऊपर हाथ लगाने से तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये आवेशित है कि नहीं है, तो ये प्रयोग का जो नाम पड़ा वो नाम पड़ा सौरणपत्ति विद्युतदर्शी प्रयोग। अब अपन यही पढ़े, काम क्या लिया जाता है, कोई भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, इसी प्रयोग से क्लियर होता है हमारे पास में।
इसमें सबसे पहले एक कांच का पात्र होता है, ये मैं कांच का पात्र बना देता हूं अपने एक बार। इस कांच के पात्र के ऊपर एक रबर की कोट लगी होती है, ये रबर की कोट, जैसे कि डॉक्टर आता है इंजेक्शन वगैरह लगाता है तो बोतल आती है ना इंजेक्शन वाली, तो उसके ऊपर भी एक रबर की डॉट लगी होती है जिसको कोर्क बोला जाता है। इस रबर की कोर्क को मैंने इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि भाई बंद हो गया भाई। अब इस रबर की कोर्क के अंदर एक धातु का टुकड़ा लगा देता हूं यहां पर मैं। धातु है तो चालक है, चालक है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। इस धातु की प्लेट के ऊपर एक और धातु की प्लेट इस प्रकार लगा दी जाती है यहां पर, और इस नीचे वाली धातु की प्लेट के दोनों किनारों के ऊपर दो पतली सवर्ण की पत्तियां लगा दी जाती है, गोल्ड फ्लेम। यहां पर भी दो पत एक और लगा दी हमने, गोल्ड फ्लेम। इसको इस प्रकार लगाया जाता है कि इनके जो ऊपर वाले सिरे हैं वो तो बंधे होते हैं, लेकिन जो नीचे वाले सिरे हैं ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि दूर भी जा सकते हैं और पास भी आ सकते हैं। अब कोई भी वस्तु को जो कि आवेशित है, अपन जैसे मान लो कांच की छड़ को ही रगड़ लिया, ठीक है, या मान लो कोई चालक वस्तु है उसके ऊपर आवेश है, इसके संपर्क में लाया जाता है ऊपर वाली धातु की छड़ के, जैसे ही ये चालक प्लेट इस चालक के संपर्क में आती है, चालमिति यहां पर अपना काम करती है और आवेश धातु से होता हुआ कहां पर पहुंचता है, नीचे सवर्ण पत्तियों के ऊपर पहुंचता है। मान लो प्लस का आवेश था नीचे की तरफ आ गया, अब इस पत्ती के ऊपर भी धनावेश और इस पत्ती के ऊपर भी धनावेश, दोनों पर धनावेश होता है और समान परिमाण का होता है, यानी कि अगर मान लो यहां पर 5 गुलाम है तो यहां पर भी 5 गुलाम ही होगा, अगर 2 है तो यहां पर भी 2 गुलाम ही होगा। समान परिमाण का आवेश होने के कारण दोनों पत्तियों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, इस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी, ठीक है। अगर मान लो इनके नीचे वाले सिरों के बीच की दूरी ज्यादा है तो बेसिक सी बात है इसके ऊपर आवेश का मान भी ज्यादा होगा, और अगर मान लो नीचे वाले सिरों के मध्य की दूरी कम है तो इस वस्तु के ऊपर आवेश का मान भी कम होगा। अब है ना इसके ऊपर हमारे पास में इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसके यहां पर नीचे की तरफ 2-3 धातु लगा दी जाती है, 3 धातु के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है ताकि इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाए, यानी कि इसके ऊपर कोई हवा का प्रभाव ना पड़े। अगर मान लो यहां पर कोई घर्षण बल लग रहा है जहां से अपन ने बांधा है तो इस घर्षण बल का प्रभाव इसके ऊपर ना पड़े, ठीक है। तो ये सिर्फ है ना हमारे पास ऋणात्मक आवेश का पता लगाने के लिए नहीं काम आता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ धनावेश यानी कि धनात्मक आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कि वस्तु के ऊपर कितना धनात्मक आवेश है। तो ये प्रयोग बनता है सवर्ण पत्ती विद्युतदर्शी प्रयोग। प्रयोग को लिखना कैसे, सबसे पहले कांच का पात्र लेते हैं, कांच के पात्र में एक रबर का कोट लगा दिया जाता है, ये अपन इसको नाम दे देते हैं रबर कोट। रबर कोट की सहायता से एक धातु की प्लेट लगा दी गई यहां पर, अभी ये धातु का टुकड़ा हो गया, प्लेट हो गई यानी कि धातु। इस धातु की प्लेट के ऊपर एक दूसरी प्लेट को टुकड़े को क्या कर दिया अपन ने, बिल्कुल इसके लंबवत रख दिया, ये भी धातु हो गई। लंबवत रखने के बाद में इसके नीचे वाले सिरों के ऊपर दो क्या लगाई अपन ने, गोल्ड फ्लेम यानी कि सवर्ण पत्तियां लगा दी, और इस प्रकार लगाई गई है कि इनके ऊपर वाले सिरे एक दूसरे से बंधे होते हैं लेकिन नीचे वाले सिरे घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब भी कोई आवेशित चालक को यानी कि कोई भी आप चालक हो गया हमारे पास, आवेशित चालक को जब धातु की छड़ के संपर्क में लाया जाता है तो चालक विधि के द्वारा आवेश धातु की छड़ से होता हुआ सवर्ण पत्ती तक पहुंचता है, दोनों सवर्ण पत्तियों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का समान परिमाण का आवेश आ जाता है जिसके कारण दोनों सवर्ण पत्तियों के नीचे वाले सिरे एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे और दूर हट जाते हैं। अगर सिरों के बीच की दूरी ज्यादा तो वस्तु के ऊपर आवेश भी ज्यादा होगा, और अगर सिरों के बीच की दूरी कम तो वस्तु के ऊपर आवेश भी कम होगा।
सवर्णपत्ति विद्युतदर्शी प्रयोग में सुग्राहिता बढ़ाने के लिए दो टीन धातु लगाई जाती है। टीन धातु के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है हमारे पास में, तो ये बन जाता है सवर्णपत्ति विद्युतदर्शी प्रयोग। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है वो हमारे पास में आवेश के ऊपर ही चलेगा अभी, क्योंकि अभी आवेश के हमारे पास में काफी गुण वगैरह चलेंगे, तो आवेश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं अपना, आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ते हैं अभी अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पास अभी जो टॉपिक चलने वाला है वो चलता है आवेश की निश्चितता। ये आवेश की निश्चितता क्या होती है, आवेश की निश्चितता, आवेश की निश्चितता का मतलब है यानी कि आवेश का मान अगर वस्तु स्थिर है तो, और आवेश का मान अगर वस्तु गतिशील है तब, मैंने दोनों को क्या लिखा है, इक्वल यानी कि बराबर है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो, आवेश का मान कभी भी नहीं बदलता। ये नहीं कि भी मान लो यहां पर 5 कूलम था तो यहां पर आवेश का मान 6 कूलम हो जाएगा चल रही है तो, या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, नहीं। स्थिर अवस्था में वस्तु का आवेश और गतिशील अवस्था में वस्तु का आवेश समान होता है, इसी को अपन कहते हैं आवेश की निश्चितता, यानी कि आवेश निश्चितता के नियम की पालना करते हैं। अब हमारे पास में चलते हैं इसके बाद में आवेश की योज्यता। अभी योज्यता क्या होती है हमारे पास में, कोई भी एक वस्तु मान लेते हैं अपन, इसके ऊपर अपन ने मान लिया कि n प्रोटॉन है इसके अंदर और इसके अंदर n ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नेचुरल नंबर हो गया n हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये आधे में नहीं मिलेंगे, पूर्ण रूप में मिलते हैं नंबर भाई हमेशा ये, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि डेढ़ आवेश हो गया, ढाई आवेश हो गया, 3.5 आवेश हो गया, नहीं ऐसा नहीं चलता, ये पूर्ण रूप में होने चाहिए नंबर हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है कोई भी। अब हमारे पास में एनी प्रोटोन है और एनी इलेक्ट्रॉन है, तो बात यह आती है वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना होगा, तो कोई भी वस्तु पर जो कुल आवेश का मान है वो इसमें उपस्थित प्रोटोन की संख्या और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों के योग के समान होता है, बस ये याद रखना अपन को। अगर सुनो हमारे पास में आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का, तो यहां पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि n p प्लस और माइनस n e माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो किसका है माइनस का ही होता है, तो यहां पर माइनस आप आवेश के मान के अकॉर्डिंग लगाओगे तो प्लस का माइनस यहां पर इसलिए मैंने कर दिया इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए आपको कि नंबर ऑफ प्रोटोन है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है कम, तो वस्तु के ऊपर आवेश कौन सा होगा, धनावेश या ऋणावेश। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो बेसिक सी बात है आवेश धनावेश ज्यादा होगा इसके ऊपर, और अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है सॉरी ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो वस्तु के ऊपर आवेश का जो मान है वो होगा ऋणावेश, यानी आवेश उपस्थित कौन सा है ऋणावेश। अगर प्रोटॉन ज्यादा तो धनावेशित होगा और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वस्तु ऋणावेशित होगी। ये हमारे पास में इनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित, और ये जो नियम है वो कहलाता है आवेश की योज्यता। कोई भी वस्तु में कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी प्रोटोन और सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के समान होता है, बस ये याद रखना है, जिसको अपन आवेश की योज्यता कहते हैं। आवेश की योज्यता के बाद में हमारे पास में जो अगला टॉपिक चलता है वो एक नया टॉपिक चल रहा है अभी यहां पर, अभी विशिष्ट आवेश। ये विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, आवेश के बारे में तो खूब सारा पढ़ लिया, उत्पन्न करने की विधियां वगैरह भी देख ली। विशिष्ट आवेश होता है ना, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्यू बाई एम। क्यू है यहां पर वो है वस्तु के ऊपर आवेश,
और एम है वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि कोई भी वस्तु पर उपस्थित आवेश एवं वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। चलो ठीक है, आवेश का मात्रक अपन को पता है कि कूलाम होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तो इसका मात्रक क्या बना भाई? विशिष्ट आवेश का जो मात्रक बनता है वो बनता है कूलाम बाय किलोग्राम, ये इसका मात्रक हो गया हमारे पास है। विमा की बात अपन थोड़ा आगे करेंगे इसके अभी, क्योंकि अभी और भी मात्रक पढ़ने हैं अपन को आवेश के, ठीक है। सीजीएस पत्ती के अंदर पढ़ेंगे मात्रक इसका कि क्या होता है, बड़ा मात्रक छोटा मात्रक, वो अभी थोड़ी आगे चलेगी बात अपने पास। विशिष्ट आवेश क्या होता है दोबारा रिपीटिंग कर लो एक बार, कोई भी वस्तु पर उपस्थित आवेश क्यू और वस्तु के द्रव्यमान एम दोनों का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है, मात्रक कूलाम बाय किलोग्राम हो गया इसका। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास में बात चलती है, वो क्या चलती है? एक आइंस्टीन ने ना अपने सापेक्षिकता का नियम दिया था। क्या नियम था? उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है और गतिशील अवस्था में है तब उसका द्रव्यमान समान नहीं होता, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो भाई द्रव्यमान बदलता है तो कितना बदलता है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया था एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब बात आती है एम है वो क्या है, एम जो होता है वो है गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, एम नोट क्या होता है ये होता है स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि स्थिर अवस्था में है तब उसका द्रव्यमान कितना था। वी क्या है ये वस्तु का वेग हो गया, यानी कितने वेग से गतिशील है, और जो सी है वो होता है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग है ना निर्वात के अंदर लिया जाता है भैया, जिसका मान होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ये चार मान हमारे पास में एम आया था गतिशील का द्रव्यमान वस्तु का, एम नोट स्थिर वस्तु का द्रव्यमान हो गया, वी वस्तु का वेग हो गया, और सी प्रकाश का वेग हो गया। इस प्रकाश के वेग का मान है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। अब अपन थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में अभी। अब मान लो कि कोई वस्तु है उसका वेग है वो प्रकाश के वेग के समान है, यानी कि वी इक्वल टू सी, दोनों बराबर है वस्तु का वेग की प्रकाश के वेग के समान है, तब इस फॉर्मूले से उसका द्रव्यमान कितना आएगा अपन निकालते हैं अभी। एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी की रिप्लेसमेंट स्थान पर क्या कर देंगे अभी सी कर देते हैं अपन, तो यहां पर हो गया सी स्क्वायर और अपॉन में भी सी स्क्वायर, आपस में दोनों कट हो गए। कट होने के बाद में एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वन, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो, एम नोट अपॉन में जीरो का रूट और जीरो का रूट भी क्या होगा जीरो, एम नोट अपॉन में जीरो। अगर मान लो एम नोट के अंदर कोई भी संख्या में अपन जीरो का भाग देते हैं तो अपने पास में जो मान आता है वो कितना आता है अनंत, यानी कि अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान है तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। तो अब बात आती है कंडीशन हमारे पास में नंबर एक के ऊपर, जब भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान हो तो उसके आवेश पर और विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आप बताओ क्या इसके आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आवेश निश्चितता के नियम की पालना करता है, चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो वस्तु, उसका दर आवेश कभी भी नहीं बदलता, समान बना रहता है। लेकिन क्या विशिष्ट आवेश का प्रभाव पड़ेगा अभी देखते हैं, क्योंकि जब v इक्वल टू c है तो द्रव्यमान कितना हो गया अनंत, तो कितना मान आ गया हमारे पास में q बाय अनंत, और कोई भी संख्या में जब अनंत का भाग देते हैं अपन तो मान हमारे पास में कितना आता है जीरो, यानी कि तो घटकर बिल्कुल कितना हो गया मान इसका जीरो हो गया।
तो विशिष्ट आवेश पर प्रभाव पड़ेगा, और विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, घटकर कितना हो गया, जीरो। बात ये थी, क्वेश्चन बन जाता हमारे पास में, अगर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान है तो इसके आवेश पर और विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि निश्चितता के नियम की पालना करता है, जबकि विशिष्ट आवेश घटकर कितना हो जाएगा, शून्य। क्यों? क्योंकि आवेश द्रव्यमान पर भी, विशिष्ट आवेश है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, और जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है तो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हमारे पास में बात आती है, अगर कोई वस्तु एक नॉर्मल दूरी से गतिशील है, यानी कि v इक्वल टू v है, 5 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी स्पीड से चल रही है हमारे पास में, 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसके आवेश पर और विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आवेश पर तो पुनः फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये निश्चितता के नियम की पालना करता है, लेकिन विशिष्ट आवेश है और जब v बराबर c था तो वो कितना हो गया था, जीरो। लेकिन आपकी बात तो नॉर्मल वेग ही है, तो नॉर्मल वेग पर क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, यानी कि इसका मान थोड़ा कम हो जाता है, घट जाएगा, विशिष्ट आवेश पहले के अपेक्षा घट जाता है। तो ये आवेशों का प्रभाव ध्यान रखना कि अगर वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है तब क्या होता है, और एक सामान्य वेग से गतिशील है तब क्या होता है।